जुल्फी, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि बेटे का घर होते हुए अम्मा जी आपा के घर रहें। देखो ना, आपा का भी ससुराल है, वो लोग कितनी बातें बनाते होंगे कि बेटे के होते हुए उसकी माँ हमारे घर पड़ी हुई है। मैं तो ये सोच सोच कर सच्ची बहुत परेशान होती हूँ। तुम ऐसा करो, अम्मा जी को ले आओ। अम्मा जी का ये घर है, बेटे के घर में अम्मा जी को रहना चाहिए। ये क्या मसला है? ये तो कुछ और कह रही है। अम्मा और आपा वो कुछ और ही कह रही थी। जुल्फी, किन सोचों में गुम हो? अब ऐसा भी कोई मुश्किल सवाल नहीं मैंने कर दिया कि तुम सोच में पड़ गए? अरे नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं अम्मा को ले आता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने के बाद तुम्हारी ये मोहब्बत खत्म हो जाए। देखो जुल्फी, सास भी तो माँ की जगह होती है ना, और फिर माँ की मोहब्बत कभी बच्चों के दिल से कम हुई है क्या? वो तो सब ठीक है, मगर जब अम्मा यहाँ आएंगी तो ये याद रखो कि वो रोक टोक भी करेंगी, बात में बोलेंगी भी, वो तुम्हें बुरा लगेगा फिर। देखो जुल्फी, ऐसी बातें मत सोचो। अगर वो मुझे किसी बात पे रोक देंगी, टोक देंगी, तो वो मेरी माँ हैं, बड़ी हैं। अगर वो मुझे रोकेंगी, टोकेंगी, नाराज होंगी किसी बात पर, तो मेरी भलाई के लिए होंगी ना। बड़े हमेशा बच्चों से नाराज होते हैं, उनके फायदे के लिए। बस तुम अम्मा जी को ले आओ। ये रानी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। अम्मा और आपा इसे कितना बुरा समझती हैं, पर मेरा ख्याल है कि ये इतनी बुरी है नहीं। फिर सोचो में गुम हो गए। छोड़ो ये सोचना वोचना, और मुझे बताओ कब लेकर आ रहे हो तुम मेरी अम्मा जी को? ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दो और तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। क्या खाओगे आज तुम? जो ले आओगी खा लूंगा। अपनी पसंद का बताओ, वही लाते हैं। भाई जो लेकर आओगी ना तुम, वो मेरी पसंद का होगा, खा लूंगा। अच्छा ठीक है। सो जाऊं आज? क्यों, क्या हुआ? तो मुझे अकेले में डर लगता है। अरे इतनी बड़ी हो गई हो तुम, पहले तो कभी तुम्हें डर नहीं लगा, अब क्यों लग रहा है? चलो शाबाश, जाके सो जाओ। मामा प्लीज आज सोने देना। अरे तो फिर नानी कहाँ सोएंगी तुम्हारी? हम तीनों साथ सो जाएंगे। वो बेड इतना बड़ा नहीं है कि तीनों आराम से सो सके, कोई भी नहीं सो सकेगा। तो फिर नानो का आप मेरे रूम में भेज दें, वो वहां पर सो जाएंगी। अरे रिदा, बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तो अपनी नानी को अच्छी तरह जानती हो ना? हाँ, कितना बड़ा ड्रामा है वो। बिस्तर बदला तो सारी रात सोएंगी नहीं, अगला दिन मेरा ख्वार करेंगी। चलो तुम कोई नन्ही बच्ची तो हो नहीं, शाबाश जाके सो जाओ। हाँ, मुझे भी बड़ी नींद आ रही। कितनी अच्छी है ये बेचारी, इसे बेचारी को तो पता भी नहीं है कि जिस सास नंद के लिए ये मरी जा रही है उनका बस चले तो इसे मार ही डाले। आपा ने खुद तो कभी ससुराल को ससुराल समझा नहीं है, हमेशा जूते की नोक पर रखा, और मेरी बीवी से चाहती है कि हर वक्त उनके तलवे चाटती रहे, उनकी जूतियां सीधी करती रहे। बहुत खराब है आपा, बहुत खराब है। और तो और अम्मा को भी हमारे खिलाफ भड़काती रहती हैं। वाह जी वाह, खुद बुरे काम और दूसरों को नसीहत। रिदा, क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही तुम्हें? वो
तातो, मुझे डर लग रहा था। मामा के पास गई थी, उन्होंने कहा जाओ यहाँ से, मैं कहाँ सोऊंगी। ओहो, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। आप? हाँ, क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? थैंक यू दादो। मैं तुम्हारे दादा अब्बा को बताकर आती हूँ, ठीक है? साहब, मैं आज रिदा के पास सोऊंगी, वो अकेले में डर रही है। ये तो वो मलिका के पास क्यों नहीं गई? हाँ गई थी वो, उसने उसे वापस कमरे में भेज दिया। लेकिन क्यों? वो किश्वर बहन जो है उसके कमरे में, अब वो कहाँ जाएंगी? भाई मैं तो ऐसे नहीं सो सकती कि बच्ची बेचारी डरती रहे और हम चैन से सो जाए। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। सुल्ताना को रिदा का कितना ख्याल है, और मलिका कैसी माँ है ये? चिंटू की माँ चिंटू की जुदाई में रो रो के बेहाल हो गई, बेचारी भूखी प्यासी जंगलों में उसे ढूंढती रही, यहां तक कि सूंघ के कांटा हो गई और एक दिन अपनी जान भी गवा दी बेचारी ने। चिंटू का पता चला? चिंटू बेचारा एक दिन अपने घर वापस आ गया, लेकिन उसको उसकी माँ घर में नहीं मिली तो वो जंगलों की तरफ निकला और अपनी माँ को ढूंढने लगा। उसकी माँ मिल तो गई लेकिन वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें वैसे ही खुली थी जैसे वो चिंटू का इंतजार कर रही हो, और जब चिंटू ने उसे पुकारा तो उसकी आंखें बंद हो गईं। चिंटू की माँ चिंटू से कितना प्यार करती थी ना? हाँ भाई, सारी माएं अपने बच्चों से इतना ही प्यार करती हैं, मुझे तो यही पता है। इंसान हो या जानवर हो, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। एक तुम्हारी अम्माएं जिन्हें तुमसे ज्यादा अपनी माँ का ख्याल है। पता नहीं मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। चलो छोड़ो, उसकी तो आदत ही ऐसी है। मैं हूं ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा बेटा, अपनी अम्मी को ये सब कुछ मत बताना, तुम्हें पता है ना वो ये सब कुछ तो समझती नहीं है। बस शाबाश, अब तुम सोने की कोशिश करो। अच्छा हाँ, चिंटू के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई कि फिर क्या हुआ। भाई चिंटू को जब उसकी माँ मरी में मिली तो बेचारा बहुत रोया, बहुत उदास हुआ। उसे उसके सारे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारी माँ बेचारी बहुत परेशान हुई तुम्हारे लिए, जंगलों में ढूंढती रही, कुछ खाती पीती भी नहीं थी और अपनी जान दे बैठी। हाय, देखना मलका, मैं अब तुम्हें तन्हा करके कैसे तोड़ती हूँ। मैंने सारी बिसात बिछा दी है, तुम्हें मात मिलने ही वाली है। तुम्हारी औलाद को ही तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी। अरे अम्मा, तुम खा क्यों नहीं रही? खाओ ना। अरे भाई, मुझसे ये सूखे टोस्ट नहीं खाए जाते, तुम्हें पता तो है। ओहो मलिका बेटी, समधन जी के लिए कुछ और बनवा दिया होता। भाई साहब, मैं नाश्ते में ना पराठा खाती हूँ। उज़्मा, कहाँ भी था उसे, तुमने आज पराठा क्यों नहीं बनाया? बेगम साहब, मैंने मना किया था, पराठे थे, संडे वाले दिन ही बनेंगे। लो
इस घर में और लोग भी रहते हैं, समझे? उनका भी ख्याल करो। नानू आप अपने घर कब जाएंगी? क्या? चुप कर पौधनी। नानू आप घर कब जाएंगी? देख रही है मलिका, ये बहुत बदतमीज हो गई हो, बड़ों से ऐसे बात करते? चलो चुपचाप नाश्ता करो। रिदा बेटी, समधन जी बड़ी भी हैं और हमारी मेहमान भी हैं, इनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है बेटा। उज्मा जाओ गरम गरम पराठा बना कर लाओ किश्वर बहन की। जाओ जल्दी, शक्ल क्या देख रही हो? आप दोनों फौरन तैयार हो जाइए, मैं हॉस्पिटल जाते वक्त आप दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। नुमान भाई आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे प्लीज? श्योर। उस पौधनी की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करके रख दी है, जरा सा भी लिहाज नहीं है उसको मेरा। अरे अम्मा जाने दो, क्या बुरा मनाना इतनी छोटी सी बच्ची की बात का, गुस्सा थूक दो। कैसे थूक दूं यार गुस्सा? अरे मेरा तो खून खोल रहा है। हाँ मेरी अगर ऐसी औलाद होती ना तो जबान खींच लेती उसकी। रहने दो अम्मा, कितनी बार मैंने अपनी पुप्पो और दादी से बदतमीजी की, तुमने तो आज तक ना रोका ना डांटा ना मारा। अरे वो तो मेरी सास और नन थी, ससुराल वाले कब किसके अच्छे होते हैं, इसीलिए तुझे कुछ नहीं कहा। ठीक कह रही हो, करती ना नानी के साथ बदतमीजी फिर तेरा हशर नशर कर देती। अरे अम्मा क्या करूं, रिदा हाथ से निकले जा रही है, इतनी बदतमीजी करती है, देखा तो है तुमने। तो अभी के अभी उसे बुला और उसकी खबर ले। अरे सोतेली दादी के साथ इतनी मोहब्बत और सगी नानी से इतनी नफरत। अच्छा अच्छा पूछती हूँ उससे। नानू और दादू का क्या मुकाबला मामा, दादू मुझसे कितना प्यार करती हैं और नानू आराम से बात तक नहीं करती मुझसे। अरे लेकिन वो तुम्हारी सगी नानू है और सगे रिश्तों की बहुत अहमियत होती है, उन्हीं का सहारा होता है, वही सच्चे होते हैं। और सियाने कहते हैं, बड़े कहते हैं कि अपना मारे भी ना तो छाव में डालता है। अपना मारे ही क्यों मामा, मुझे तो लगता है कि नानू बस इसी मामले के लिए अपनी है। कितनी बदतमीज हो गई हो तुम, बड़बड़ बोले जा रही हो, सगी नानों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो, इतना तो ख्याल करो कि वो तुम्हारी माँ की बाँ है। आपको तो ख्याल है ना उनका, हर वक्त उन्हीं का ख्याल रखती हैं, मेरा तो जरा सा भी ख्याल नहीं है आपको। तुम्हारा ख्याल नहीं है? अरे तुम्हारे ख्याल में और तुम्हारी फिक्र में तो दिन रात घुसती रहती हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे आराम के लिए तो करती हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ जो आप मुझे देना चाहती हैं, हर वक्त आप नानों से बात करती रहती हैं, मैं किससे बात करूं, पापा भी नहीं होते यहाँ पे। चक्करो अब जो बातें करनी है तुमने मुझसे। नाइस होम, माशाल्लाह। थैंक यू। आपके घर में कोई है नहीं, आई मीन घर वाले नजर ही नहीं आ रहे कोई भी? वो सब अमेरिका में होते हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, एक भाई है, उनकी फैमिली को यहाँ रहना पसंद नहीं और मुझे वहाँ। सब अपने अपने घरों में खुश हैं, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, मैं उन्हें। तो आपको अकेले इस पूरे घर में रहते हुए डर नहीं लगता? आप तो ऐसे हंस रही जैसे मैंने कोई फनी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। डॉक्टर नुमान आप एक साइकाइट्रिस्ट से डर की बात कह रहे हैं, हम तो लोगों के डर और फोबिया का इलाज करते हैं। फिर भी अकेले दाना रहने से घबराहट नहीं होती आपको? हाँ कभी कभी तन्हाई से उकता जाती हूँ, इंसानी फितरत है, मैं भी तो इंसान ही हूँ। खैर मेरा ख्याल है अब चाय हो जाए, मैं चाय बनाकर आती हूँ। सॉरी मेरे पास आजकल कोई मेड नहीं है। मलिका, ओ मलिका। अरे अम्मा क्या बात है, क्यों शोर कर रही हो? तुझे कुछ पता भी है, नुमान घर से बाहर गया हुआ है। नुमान घर पे नहीं? वो तो उमर को भी साथ लेके गया। मुझे बताया ही नहीं। तूने तो नुमान की तरफ से आंखें बंद की हुई है। अरे कल को वो कोई लड़की का हाथ पकड़ के आ जाएगा ना तो तू हाथ मलती रह जाना। अरे रहने दो अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। याद है एक दफा वो लड़की का हाथ पकड़ के लाया था, कैसे भगाया था मैंने उसे?
ये तो है, तेरे आगे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। मेरे होते हुए कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता, इतना आसान काम नहीं है ये। भले नौमान एक नहीं 100 लड़कियां देख लें, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगी। तेरी मर्जी से हटकर कुछ होना भी नहीं चाहिए, इसमें हम दोनों की भलाई है। तो फिर यूं समझ लो अम्मा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम तसल्ली रखो। ये हुई ना बात। आपको याद है उस दिन रेस्टोरेंट में उमर ने आपसे क्या कहा था? वो बात सुनकर मैं आपके पास चली आई थी। हाँ हाँ मुझे याद है, उमर ने कहा था कि कुछ भी खा लेने से पेट तो भर जाता है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि कुछ ऐसा खा लिया जाए जिसे खाने के मज़े भी ले लिए जाए और वो याद भी रह जाए और थोड़ी देर की खुशी भी हो जाए। जी बिल्कुल, ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी। और अगर इस जुमले का नफ्सियाती तज्जिया किया जाए तो शख्सियत के कौन से पहलू निकलते हैं? आप हैं साइकाइट्रिस्ट, तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कोशिश तो आप भी कर सकते हैं। चैलेंज है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम तो डॉक्टर हैं, हम तो सिर्फ दवाओं की स्मेल में ही बसे हैं। हमसे तो आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग के खलियों की गोशों की बात कर सकते हैं, लेकिन उन गोशों में क्या छुपा है, कौन कौन से ख्यालात परवान चढ़ सकते हैं, इसका तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं या फिर कोई अदीब बता सकता है। क्योंकि अदब और साइकोलॉजी का ताल्लुक बराए रास्त इंसान की सोचों से, उसके जज्बात से, ख्यालात से। वैसे बात तो आपने भी बड़ी शायराना की है। देखिए ना, मेरी बात का भी नफ्सियाती तज्जिया क्या खूब लगाया है आपने। इस तरह तो आपने दोनों जरासीम हुए। लेकिन फिर भी तजुर्बा और महारत दोनों में बड़ा फर्क होता है डॉक्टर परवशा। तो चलें, प्लीज आप ही बता दीजिए क्या छुपा उमर के माइंड में। मुझे लगता है कि उमर महज जिंदगी जीना नहीं, उसके महसूस करना भी चाहता है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप उसे बेहतर समझते हैं। मुझे लगता है कि उस बच्चे की जिंदगी कहीं रुक सी गई है, वो बहुत चीजें फील करता है। Am I right? डॉक्टर परवशा, he has lost his mother. Sorry. Oh. It's okay. जुल्फी, तुम्हें मैंने कुछ कहा था, अम्मा को लाने का कहा था, क्या सोचा तुमने? देखते हैं, पहले जरा आपा से बात कर लूं मैं, फिर देखते हैं। आपा से किस लिए बात करोगे? अम्मा है वो हमारी, उनका हक है हम पर, वो हमारे घर में रहे। फिर भी आपा से बात करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि आपा इतनी आसानी से अम्मा को आने देंगे। क्यों क्यों नहीं आने देंगे आपा? अम्मा पर हक हमारा ज्यादा है, हमारे होते हुए अम्मा आपा के घर रहे, ये अच्छा नहीं लगता। लोग सौ सौ बातें बनाते हैं। कौन लोग हैं जो बातें बनाते हैं भाई? यही आस पड़ोस वाले, पूछ पूछ के मेरे नाक में दम कर दिया उन लोगों ने। तुम्हारी सास क्यों नहीं आती, बेटी के घर क्यों रह रही है? तो ये बात तब सोचनी थी जब तुम अम्मा से लड़ती थी और उनको इस घर से निकाल दिया था। मैंने थोड़ी लड़कर भेजा है, खुद ही नाराज होकर चली गई, मैं क्या करती भाई? वो जब तुमसे झगड़ती हैं, लड़ती हैं, तुम्हारी जिंदगी अजाब करती हैं, तो क्या जरूरत है उनको यहाँ बुलाने की? रहने दो आपा के घर पे। अच्छा ना, अब कोई बात नहीं करूंगी, वो जो भी कहेंगे चुप करके सुन लूंगी, अम्मा है। देखता हूँ। तुम बस सोचते ही रहो। देखो जुल्फी, अगर तुम जाकर अम्मा को नहीं लाओगे ना, तो मैं खुद जाकर अम्मा को ले आऊंगी, भले मुझे अम्मा के पाँव को हाथ क्यों ना लगाना पड़े। यहाँ लोगों की बातें तो मुझे सुननी पड़ती है ना,
कितनी तेज है बहू, एक सास को अपने घर में नहीं रख सकती। लेकिन किसी को क्या पता, यहाँ पर अपना सगा बेटा ही नहीं लाना चाहता हमें। मेरा क्या कसूर है, मैं तो उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट किस लिए? क्योंकि तुम मेरे घर पहली बार आए हो इसलिए। अरे डॉक्टर परवेशा, इसकी क्या जरूरत थी? गिफ्ट जरूरत के तहत नहीं, मोहब्बत से दिए जाते हैं, और जो चीज जरूरत से दी जाए वो रिश्वत कहलाती है। मैं रिश्वत के कायल नहीं। ये लो। अब थैंक यू। आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो आपने मेरे लिए गिफ्ट रखा हुआ था क्या? तुमने आने से पहले कॉल जो की थी, तुम्हें जाके ले आई। बेटा, एक साइकियाट्रिस्ट के काम इसी तरह कंपोज्ड होते हैं। इजाजत। अबू एक मिनट, वो अब आप हमारे घर कब आएंगे? मैं जल्दी आऊंगी इंशाल्लाह। हम इंतजार रहेगा, आइएगा जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आपा। रानी, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? मैं थक गई हूँ तुम्हारा इंतजार कर करके। जुल्फी से कहा तो है मैंने, देखिए आप कब तक आते हैं। तो सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है, क्या मामला है? कहीं तुम बदल तो नहीं गई हो? देखो, तुमने मुझसे बहुत एडवांस लिया हुआ है। मैं कब मुकर रही हूँ आपा, बस जुल्फी की वजह से थोड़ी देर हो रही है। पता नहीं क्या सोच विचार कर रहे हैं वो। देखो, जो भी हो जैसे भी हो, उसे राजी करो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। देखें, इतनी जल्दी मत मचाइए, मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। हाँ, तुम्हें वक्त दे दूं ताकि मेरा वक्त आ जाए। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप पे क्यों वक्त आने लगा? नहीं समझ रही हो रानी, तुम नहीं जानती, मेरा बस चले तो एक मिनट में इस औरत को घर से निकाल दूं। दोनों ने मेरी का जो उधम मचाई हुई है ना, बस मुझे मलका को अकेला करना है। ठीक कह रही हो, इन दोनों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये दोनों मिलकर कितना उधम मचाती हैं, इंसान का जीना हराम कर देती है। आप फिक्र मत कीजिए, रानी है ना। बस रानी, तुम कल ही आओ और ये मामला खत्म करो। जी, सब ठीक हो जाएगा। ताफ़िस। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? सब लोग खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। भाभी, बस वो ऐसी उमर को बाहर घुमाने ले गया था। तो मुझे तो बता देते, मैं परेशान हो रही थी, तुम लोग फोन भी नहीं उठा रहे थे। भाभी प्लीज, आप हमारी वजह से परेशान ना हुआ करें, आपको पहले घर के 100 काम होते हैं, हमारी वजह से तो आपका और स्ट्रेस हो जाएगा। अरे तुम लोगों के लिए परेशान ना हो तो किसके लिए परेशान होंगी मैं? वैसे भी सबसे ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारी शादी की है, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो ये फर्ज भी पूरा हो। उमर बेटा, तुम जाओ अपने रूम। भाभी, आप लड़कियां ना ढूंढें। क्यों, तुमने किसी और से कह दिया लड़की देखने के लिए? नहीं नहीं भाभी, मैं ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये बात सबके लिए कह रहा, और आप प्लीज सबको मना कर दीजिए कि किसी को भी मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? आप
परेश आंटी कितनी स्वीट है ना, मैं तो दिल नहीं चाह रहा तुमके घर से जाने का, बिल्कुल अम्मी की तरह। रियली? अगर तुम्हारे टेस्ट नहीं हो रहे थे ना तो फिर चलनी थी हमारे साथ और उनसे मिल भी लेती। अगर वो खतीजा चाची की तरह है फिर तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का, मगर मगर क्या? मामा जाने देंगी ही नहीं। क्यों नहीं जाने देंगी, हम अब्बू के साथ उनके घर जा रहे हैं। तुम जानते तो हो मामा को, वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें मेरा तो जरा सा भी ख्याल नहीं है। तो फिर तुम उनसे बात करो कि वो ऐसा क्यों करती हैं। वो मेरी नहीं सुनती, मुझे डांट देती हैं। ठीक है फिर एक काम करो कि अब्बू को बोलो कि वो उनसे बात करें। कोई फायदा नहीं है, मम्मी उनकी भी नहीं सुनेंगी। आपका शुक्रिया अदा करना था। किस बात का? उमर का ख्याल रखने के लिए। इतने अरसे के बाद मैंने उमर के चेहरे पर खुशी देखी है। ओह उमर माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे हमेशा ज़हीन लोग अपील करते हैं। ऐसे डॉक्टर भी काफ़ी ज़हीन होते हैं, इसलिए वो इतनी बातें भी मनाते हैं। मैंने तो आपकी बात की थी डॉक्टर परोशा, आप क्या समझी? एक साइकोलॉजिस्ट पर गलत समझने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। डॉक्टर परोशा जहाँ दिलों में इज्जत हो वहाँ हाथ तक महसूस नहीं की जाती। कि आप मुझे हर वक्त डॉक्टर डॉक्टर क्या कहते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी मरीज से बात कर रही हूँ। ऐसा आइडिया बुरा नहीं है, आई गेस मरीज बनने के बारे में भी सोचा जा सकता है। इसके लिए आपको मेरे साथ सिटिंग्स रखनी होगी। गुड आइडिया, लंच पर मिलें किसी दिन। हाँ एक मरीज से मिलने के लिए तो डॉक्टर हमेशा रेडी रहता है। डन, तो फिर परसों लंच पर मिलते हैं। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। जुल्फी मेरे प्यारे भाई, आज अम्मा का ख्याल कैसे आ गया? अम्मा की लॉटरी निकल आई है क्या? ख्याल उनका आता है आपा जिनका ख्याल दिल में ना हो। अम्मा तो हर वक्त हमारे दिलों में है, हमारे ख्यालात में है। बात यह है आपा कि रानी बेचारी तड़प रही है अम्मा के लिए, मैं क्या बताऊं तुम्हें कि वो उसका क्या हाल है इस वक्त। कमबख्त मारे, वो खिदमत का चारा डाल रही है मुझे, मैं उसके झांसे में आने वाली नहीं। उसे कह कि किसी और पे जाके अपना जाल डाले। उसकी मोहब्बत पे शक नहीं करो अम्मा, कब से मेरे पीछे लगी हुई थी कि अम्मा को लेके आओ, अम्मा को लेके आओ, अम्मा को लेके आओ। वो तो मैं ही ढीला पड़ गया था, आ नहीं सका तुम्हारे पास। अरे ढीले, तूने आज तक रानी की मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम किया है, कभी कोई बात की है? अच्छी तरह जानते हैं हम तुझे, समझते थे ड्रग रग से वाकिफ हैं। अरे अम्मा मैं तुझे बता रही हूँ, घर की मुलाजमा काम छोड़ के चली गई होगी रानी के सलूक की वजह से, इसलिए तुझे बुला रहे हैं, तुझसे घर का काम कराएंगे ये। माजरत के साथ आपा माफी चाहता हूँ, बात तो कड़वी है, बुरी लगेगी तुमको, मगर हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता कि ससुराल वालों को पैर की जूती बना के रखे। अरे तुम्हारी रानी तो लाखों में एक है एक। अम्मा हर बहू ऐसी नहीं होती। अरे बकवास कर रहा है, अपना मुंह बंद कर। अम्मा देख रही हो कैसे जबान चल रही है इसकी, दो झापड़ लगाऊंगी तुझे मैं, चल निकल यहाँ से, चले जाओ। शर्म नहीं आती कमबख्त, बड़ी बहन है तेरी, है कितने एहसान आते हैं इसके तुम पर। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, अपनी शक्ल छुपो। आपा देखो तुम तो मुझे जानती हो ना बहुत अच्छी तरह से, ईमान से तुम्हें पता है ना कि जब मेरा मीटर शार्ट हुआ हुआ होता है ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल शॉल बोल जाता हूँ, पता नहीं क्या क्या बक गया मैं, मुझे माफ कर दो आपा, कसम से मेरा मतलब वो नहीं था। अरे बस बस मेरे साथ ना करिए ड्रामे, रानी के रिमोट से चलने वाले पुर्जे। आपा कसम ले लो ईमान से, तुम्हारी जान की कसम, मैं दिल से सॉरी कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे माफ कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है, चल ठीक है। अम्मा खुदा का वास्ता मान जाओ अम्मा, तुम्हें आपा की जान की कसम है मान जाओ अम्मा, कसम ले लो, कसम ले लो, सुबह से एक दाना पेट में नहीं गया अम्मा तुम्हारी मोहब्बत में, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम्हें लेने के लिए आया हूँ मैं। अम्मा मान जाओ ना, जुल्फी बेचारा भूखा है, चप्पल उठाओ और इसको खिलाओ दो तीन जूते। गाऊं तुझे एक दो जूते हैं? कमबख्त मारे,
जब कह दिया कि नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाऊंगी अम्मा, क्या हो गया ऐसा? तुम्हें नहीं पता अम्मा, हमारी जग हसाई हो रही है अम्मा, जग हसाई हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। क्या बकवास कर रहे हैं अम्मा ये? तुम सोचो अम्मा कि रानी के माँ बाप क्या सोचते होंगे कि जवान बेटे के होते हुए माँ जो है वो बेटी की ससुराल में पड़ी हुई है, खुद सोचो। अरे कुछ नहीं सोचेंगे वो, हाँ उनका दिल बहुत बड़ा है। अरे सोचते सोचते भाई सोचते, कैसे समझाऊ सोचते, तुम्हें क्यों नहीं यकीन आ रहा सोचते? और आपा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, अभी मेरे साथ चलो अपने ससुर के पास, उनसे पूछवा देता हूँ सोचते। अरे सोचते मान लो मेरी बात, खुदा का वास्ता मेरे साथ चल लो। कमबख्त मारे तू ऐसे कर करके ही मर जाएगा। इसका क्या काम है मेरे ससुर के साथ? तू कहाँ मिलता है उनसे, कब बैठ के बातें करता है उनके साथ? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जाके रानी को? छोड़ ना, चुप कर। वैसे गलत तो नहीं कह रही रानी, इसमें लोगों के एतराज करने वाली बात तो है। कैसा एतराज? अरे यही कि शादीशुदा बेटे के होते हुए बेटी के ससुराल में रहना, वो भी भर भरे ससुराल में। अब लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना बातें करने को। बात तो रानी की माकूल है, यकीनन उसी को लोग कहते होंगे इसीलिए वो परेशान। हाँ बिल्कुल, उसी बेचारी को तो कहते हैं। अब वो बता रही थी कि किसी ने उसे खरी खरी सुना दी कि तुमने अपने शोहर को जन्नत से दूर कर दिया। लेकिन सुल्ताना देखो, ये उनका आपस का मामला है, हमें इसमें बोलना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है मैं समधन जी को अपने मुंह से तो नहीं कह सकता कि भाई आप यहाँ से चली जाएं, क्या सोचेंगी वो कि मैं उन्हें घर से निकालना हूँ। ये तो है। अब्बा जी ये जुल्फी को समझाइए ना, देखें अम्मा को साथ ले जाने की जिद कर रहा है। समधन जी क्या कहती हैं? अम्मा से क्या पूछ रहे हैं अब्बा जी, मैं नहीं चाहती कि अम्मा मुझे छोड़ के जाएं। नहीं मलिका बेटी, समधन जी को भी बोलने दो, आप बताइए समधन जी आप क्या चाहती हैं? मैं क्या बोलूं भाई साहब, दुनिया जानती है जो सुख बेटियां दे सकती है वो बवे नहीं दे सकती। वो तो ठीक है समधन जी, लेकिन ब्याही बेटियों पे जोर कब चलता है? वो तो पराया धन हो जाती है ना, हम तो अपनी बहुओं को ही अपनी बेटियां समझते हैं और अपने सारे दुख सुख अपनी बहुओं के साथ ही शेयर करते हैं। आप तो बहुत खुशनसीब हैं भाई साहब, जो आपको हीरे जैसी बहू मिली है। अगर मुझे भी मलका जैसी बहू मिल जाती ना, तो मैं भी अपने घर में सुकून से रहती। अम्मा एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो, रानी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे, ये वादा है मेरा तुमसे। ठीक कह रहा है जुल्फी समधन जी, आपको रानी बेटी को और जुल्फी बेटे को एक मौका और देना चाहिए। हाँ इससे आपको गलत मतलब ना लीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपको घर से निकालना चाहता हूँ या ऐसी कोई और बात। आप 100 मरतबा रहे यहाँ, शौक से रहे, आपका अपना घर है, ना हमें कोई फर्क पड़ता है ना आपको कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन जुल्फी बेटे को फर्क पड़ता है। यही बात मैं ऊपर बैठ के कर रहा था कि बहुत अजीब बातें करते हैं लोग, अम्मा को जो है बेटे के साथ रहना चाहिए नहीं चाहिए। देखिए ना समधन जी, बच्चा कितनी मोहब्बत से आपको लेने के लिए आया है, इसका मान रख लीजिए। अरे मेरी प्यारी अम्मा, मेरी इकलौती अम्मा, दिल छोटा मत करो। अरे जाके उस चुड़ैल को इतना तंग करना, देखना 2 दिन में तुम्हें वापस छोड़ जाएगी। तू भी देखना मैं रानी के साथ करती क्या हूँ। अरे उसको रानी से नौकरानी ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी किश्वर नहीं। अरे काम इतना कराऊंगी कि उसका बुरकस निकाल दूंगी।
कस निकाल देना, पर अम्मा जरा एहतियात से, जुल्फी के सामने नहीं, उसके सामने मीठी बनी रहना। अरे जुल्फी के सामने तो मैं इतना शहद टपकाऊंगी, इतनी मीठी बात करूंगी कि जुल्फी भी सोचता रह जाएगा। अगर रानी उससे कोई शिकायत भी करेगी तो जुल्फी यकीन ही नहीं करेगा। अरे गिन गिन के बदले लेना उससे, जहर लगती है वो चुड़ैल मुझे। अभी तो सत्यवारी जा रही है, हाँ लाड कर रही है, जब तू उससे काम कराएगी, उसका भुरकस निकालेगी, फिर मैं देखूंगी कितने दिन वो तेरे नाज उठाती है। तू भी ना सुल्ताना से गाफिल मत रहना, ये बड़ी मिसनी है, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे इसी का हाथ है। अरे रानी से जो मिली हुई है। तुम फिक्र ना करो अम्मा, इस तरह के फितने दबाना मुझे खूब आता है। चलो चलो मैं तुम्हें अब छोड़ा हूँ, बाकी बातें आराम से करेंगे फोन पर। चलो आ जाओ, दिल तो नहीं कर रहा जाने को। अरे दो दिन की बात है, तुम देखना तो सही। अच्छा सुन, कुछ खाने पीने के लिए भेज दिया करना। हाँ, मेरे हाँ, मैं भेज दूंगी तुम्हें। अरे भाभी बीजी, आप तो बहुत होशियार निकली। कितनी होशियारी से आपने किश्वर बीबी का पत्ता साफ कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। अरे अभी तो कुछ भी नहीं किया, आगे आगे देखो मैं क्या करने वाली। अब क्या करेंगी आप? सब कुछ तुझे बता दूं? अगर मुझे नहीं बताएंगी तो फिर और किसको बताएंगी? सब्र कर, वक्त आने पर मैं तुम्हें ही बताऊंगी, आखिर मदद भी तो तूने ही करनी है मेरी। तभी तो कह रही हूँ कि अगर आप बता देंगी तो पहले से दिमाग लड़ाऊंगी, कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूंगी। बस रहने दे, दिमाग तो तेरा बड़ा ही चलता है, ये मशवरा भी तो तूने ही दिया था मुझे। बीबी जी अब मैं इतनी भी होशियार नहीं हूँ, वो तो बस इस पिटारे में कोई ना कोई तरकीब आ ही जाती है। अच्छा आया पिटारे में, हाय चली गई ना किश्वर, अब मलका अकेली रह गई है, अब देखती हूँ कि वह मुझसे कैसे मुकाबला करती है। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।